हेलो गाइस, वेलकम टू माय टेक्निकल एमबीसी यूट्यूब चैनल। तो देखिए, आज मैं आप लोगों को मतलब बहुत सारा को ये पता नहीं है, आसाम में ओबीसी एनसीएल और इनकम सर्टिफिकेट का जो मतलब अपडेट है बहुत सारा को पता नहीं है। वैसे आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को क्लियर बताना चाहूंगा और एनसीएल ओबीसी एनसीएल और एमओबीसी एनसीएल अप्लाई किस तरीके से होता है और क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, मतलब क्या क्या दस्तावेज चाहिए। ये सारा कुछ मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर में सिखाने वाला हूँ और ये वीडियो आप लोग कंप्लीट देखिए। जिनको गाइस पता नहीं है, बिल्कुल ही पता नहीं है, उन लोगों के लिए ये एक मतलब हेल्पफुल वीडियो है। वैसे आपको देखना जरूरी है, फ्यूचर में आपको काम आ सकता है। तो देखिए, अभी इनकम का मैं पहले बता रहा हूँ। इनकम सर्टिफिकेट अगर आप लोग बनाने के लिए जाओगे तो इस पहले क्या होता था, डॉक्यूमेंट क्या लगता था, एक चाहिए लैंड रेवेन्यू रिसिप्ट, जो कि असम में खजाना का रिसिप्ट बोलते हैं उसको, तो गाइस वो एक चाहिए, बेदखल जरिमाना पेड रिसिप्ट, तो वो एक चाहिए। और उसके बाद में गांव प्रधान के घर में जाके एक एनुअल मतलब प्रूफ लाना पड़ता है, एनुअल इनकम का प्रूफ, वार्षिक आय प्रमाण पत्र जो कि गाइस इसको बोलते हैं असम इसमें, तो वो एक चाहिए। और उसमें गाइस पहले मतलब वाइफ का, फादर का वो आता था, बट वाइफ का वहां पर कुछ भी लिखा नहीं होता था, फिर भी गाइस इजीली फादर का इनकम सर्टिफिकेट बन जाता था। तो देखिए गाइस अभी के लिए क्या हो रहा है, अभी क्या अपडेट आ रहा है, अभी वाइफ का भी आपको इनकम का मतलब नीचे में सोर्स लिखना पड़ेगा, एक्चुअली वाइफ क्या करती है वो भी आपको देना पड़ेगा, तभी गाइस आपका इनकम सर्टिफिकेट अप्रूव होके आएगा। और उसके साथ साथ एक चाहिए एप्लीकेशन फॉर्म और वोटर कार्ड और आधार कार्ड होने से हो जाएगा। तो गाइस ये सारा कुछ चाहिए इनकम के लिए और तभी गाइस अप्रूव होके आता है। अभी उसी तरीके से अभी ओबीसी एनसीएल और एमओबीसी एनसीएल के लिए भी एक नया अपडेट है। अगर आप ओबीसी एनसीएल है तो एमओबीसी एनसीएल बनाने के लिए जाओगे, सबसे पहले ही नंबर में आपको डिजिटल ओबीसी मांगेगा, तो गाइस डिजिटल ओबीसी आपको देना पड़ेगा, वहां पर इंटर करना पड़ेगा, तभी गाइस डिजिटल ओबीसी का नंबर सर्टिफिकेट नंबर इंटर करने के बाद ही गाइस आपका सब कुछ डिटेल्स वहां पर शो हो जाएगा। उसके बाद में आपका फाइनेंशियल मतलब आपका ग्रॉस एनुअल इनकम, तो गाइस वो आपका पेरेंट्स का या तो हाउस वाइफ का मतलब हस्बैंड का जो भी है वो देना पड़ता है। और वहां पर भी गाइस आपका क्या हो रहा है, अभी इनकम मतलब मदर्स का भी इनकम देने के लिए बोल रहे हैं, मदर्स का भी इनकम सर्टिफिकेट देना पड़ता है, तभी गाइस आपका ओबीसी एनसीएल और एमओबीसी एनसीएल बन जाता है। उसके लिए डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए, एक चाहिए आपके पास में होना पड़ेगा आधार कार्ड, वोटर कार्ड और रेशन कार्ड, अगर आपका नहीं है तो पेरेंट्स का होने से भी हो जाएगा। और एक चाहिए डिजिटल ओबीसी, डिजिटल ओबीसी या तो एमओबीसी चाहिए। और उसके बाद में एक एनुअल इनकम सर्टिफिकेट चाहिए, जो कि गाइस वो गांव प्रधान के घर में जो आपने लिख के गाइस लाया है वो भी अपलोड करना पड़ेगा। उसके साथ साथ आपका मतलब इनकम सर्टिफिकेट ओरिजिनल जो आया है वो भी आपको अपलोड करना पड़ेगा, तभी गाइस होगा। और उसके साथ साथ एक है गाइस अभी एफिडेविट, एनी अदर डॉक्यूमेंट में एफिडेविट आपको देना पड़ेगा, तभी गाइस ओबीसी एनसीएल या तो एमओबीसी एनसीएल आपका बन जाएगा, डिजिटल ओबीसी मैंडेटरी है। तो चलिए गाइस इसका मैं प्रोसेस दिखाने वाला हूँ। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा, वीडियो को शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए, यहाँ पर आपको जेन्युइन कंटेंट हमेशा मिलता रहेगा। चलिए बने रहे स्क्रीन पर, मैं सब कुछ डिटेल्स में स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। तो देखिए गाइस एनसीएल अप्लाई कैसे करें मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, और किस तरीके से फॉर्म फिलअप करना है ऑनलाइन में गाइस वो मैं दिखा रहा हूँ, आप लोग वीडियो पर बने रहिए। उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या क्या अपलोड करना पड़ता है वो भी मैं दिखाऊंगा। ये वीडियो आप लोग कंप्लीट देखने के बाद में आपको सब कुछ समझ में आएगा। तो देखिए गाइस यहाँ पर मैं दे रहा हूँ, ये लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा गाइस, सबसे पहले वहां पर जाइए और आप लोग यहाँ पर आ सकते हैं। उसके बाद में देखिए गाइस आपका यूजर आईडी और लॉगिन आईडी जो भी गाइस अगर है तो दे दीजिए, वरना अगर नहीं है तो गाइस आपको नियरेस्ट सीएससी सेंटर पर ही जाना पड़ेगा, तभी गाइस आपका हो पाएगा। तो देखिए गाइस अगर आपके पास में है इसका आईडी तो गाइस इस तरीके से आप लोग लॉगिन करिए, इस तरीके से लॉगिन हो जाएगा यहाँ पर, मतलब बाद में अप्लाई कर देने के बाद में यहाँ पर एक्नॉलेजमेंट नंबर देके एप्लीकेशन नंबर देके आप लोग इजीली यहाँ पर सर्च करके डाउनलोड भी कर सकते हो, मतलब ये एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट देके स्टेटस चेक करने के लिए ये है। और अभी गाइस अप्लाई करने के लिए सिंपली आपको ई गवर्नेंस सर्विस पर आपको क्लिक कर देना है। ई गवर्नेंस सर्विस पर क्लिक कर देने के बाद में यहाँ पर आपको इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा, यहाँ पर ईमेल आईडी और स्क्रीन नेम जो भी गाइस आप लोग अपना दे दीजिए, उसके बाद में लॉग इन करिए।
ये लॉग इन कर देने के बाद में गाइस आपको इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आप जाइए और यहाँ पर जाने के बाद में आपको यहाँ पर लिख देना है नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट। तो देखिए नीचे में आप लोग देख सकते हो नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट ओबीसी एनसीएल और एम ओबीसी एनसीएल के लिए ये है, और यहाँ पर इस तरीके से सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर गो ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो गाइस गो ऑप्शन पर क्लिक करते ही गाइस अभी आपके सामने में देखिए, इसमें थोड़ा जूम करके दिख रहा हूँ आप लोगों को, इस तरीके का आपका इंटरफेस रहेगा। यहाँ पर आपको ऑनलाइन पर आपको क्लिक कर देना है। ऑनलाइन पर क्लिक कर देने के बाद देखिए यहाँ पर सबमिट ऑनलाइन पर आपको क्लिक कर देना है और आपको इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। एप्लीकेशन फॉर्म फॉर न्यू फॉर्म फॉर नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट। तो देखिए आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं पहला ही नंबर में आपको इंटर द डिजिटल ओबीसी सर्टिफिकेट नंबर या तो एम ओबीसी सर्टिफिकेट नंबर, मतलब यहाँ पर पहले ही नंबर में आपको ये एनसीएल बनवाने के लिए सबसे पहले ही आपको डिजिटल ओबीसी बनवाना है। सबसे पहले डिजिटल ओबीसी बन जाने के बाद में, मतलब आपका सर्टिफिकेट नंबर आ जाने के बाद में गैस वहीं पर होता है, डिजिटल ओबीसी में ही होता है गैस सर्टिफिकेट नंबर। तो गैस वो नंबर यहाँ पर देके आप लोग सबमिट करके आगे बढ़ सकते हो। अगर आपने नहीं किया है तो गैस यहाँ पर बोला गया है इफ डिजिटल ओबीसी एम ओबीसी सर्टिफिकेट नॉट अवेलेबल क्लिक हियर टू अप्लाई। अगर आपके पास में अवेलेबल नहीं है तो गैस क्लिक यहाँ पर क्लिक करके आप लोग अप्लाई कर सकते हो। तो गैस इसका ये प्रोसेस है। अभी देखिए मैं यहाँ पर ओबीसी का मेरा सर्टिफिकेट नंबर देके मैं एनसीएल अप्लाई करके आप लोगों को क्या क्या फिलअप करना पड़ता है वो दिखा रहा हूँ। तो फाइनली गाइस मैं दे चुका हूँ यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर और आप लोग यहाँ पर दे दीजिए अपना हिसाब से और सबमिट करिए। सबमिट कर देने के बाद में देखिए सभी यहाँ पर इस तरीके का इंटरफेस खुल के आएगा, मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ बने रहे वीडियो पर। तो गाइस आप लोग यहाँ पर देख सकते हो ये सब कुछ अभी ऑटोमेटिक फिलअप होकर आएगा। अभी गाइस यहाँ पर सब कुछ नाम वगैरह वगैरह सब कुछ आएगा। अभी आपको क्या करना है, थोड़ा नीचे जाना है और नीचे जाने के बाद में गाइस यहाँ पर आप लोग देख सकते हो यहाँ पर फाइनेंशियल स्टेटस पेरेंट्स का आपको हस्बैंड वाइफ जो भी है गाइस इनका मतलब आपको यहाँ पर देना पड़ेगा। तो देखिए गाइस यहाँ पर जाइए और यहाँ पर जाने के बाद में फादर पर आप लोग क्लिक करिए। अगर आप लोग फादर का दे रहे हो तो गाइस फादर का क्लिक करिए। उसके बाद में यहाँ पर जाइए, उसके बाद में गाइस यहाँ पर आप लोग लिख दीजिए मतलब फादर क्या करते हैं गाइस, कल्टीवेशन है तो कल्टीवेशन आप लोग लिख दीजिए यहाँ पर इस तरीके से। तो गाइस कल्टीवेशन है गाइस और यहाँ पर नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन विभाग का नाम मतलब जो भी है गाइस ये आप लोग दे दीजिए, अगर है तो दे दीजिए, नहीं है तो गाइस इसको नील लिख दीजिए NIL। उसके बाद में यहाँ पर ये भी नहीं होगा गाइस, नील होगा। उसके बाद में ग्रोस सैलरी इनकम कितना है गाइस वो आपको यहाँ पर दे देना है, ग्रोस सैलरी इनकम एनुअल मतलब इनकम। तो जो भी गाइस आप लोग अपना हिसाब से दे दीजिए यहाँ पर 1.5 लाख। तो गाइस आप लोग देख सकते हो यहाँ पर, और उसके बाद में गाइस इनकम अदर सोर्स देखिए गाइस इनकम फ्रॉम अदर सोर्स अगर है तो दे दीजिए वरना गाइस इसको जीरो कर दीजिए। उसके बाद में टोटल इनकम कितना है गाइस 150, 1, 2, 3। तो गाइस देख सकते हो आप लोग अदर सेलेक्ट करिए। उसके बाद में यहाँ पर एड मोर है, अगर मदर है तो गाइस मदर का मदर क्या करते हैं गाइस वो आपको यहाँ पर लिख देना है। अगर हाउस वाइफ है तो गाइस HOUSE हाउस और वाइफ लिख देना है गाइस इस तरीके से। तो गाइस हाउस वाइफ लिख दीजिए यहाँ पर इस तरीके से। और उसके बाद में देखिए गाइस यहाँ पर आप लोग अगर कुछ भी करती है गाइस तो आपको दे देना है, अगर नहीं करती हाउस वाइफ तो कुछ भी नहीं करता है गाइस नील होगा। और उसके बाद में यहाँ पर भी गैस अभी क्या होगा यहाँ पर जीरो होगा क्योंकि गैस हाउसवाइफ है तो जीरो होगा यहाँ पर भी अभी जीरो होगा और उसके बाद में यहाँ पर भी जीरो होगा। तो आप लोग देख सकते हो इस तरीके से आपको यहाँ पर फादर का मदर का जो भी गैस आपको फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ द पेरेंट्स का सब कुछ दे देना है। और अभी गाइस नीचे में जाना है, नीचे में जाने के बाद में देखिए गाइस प्रूफ ऑफ रेसिडेंसी में आप लोग PRC आधार कार्ड लैंड डॉक्यूमेंट इलेक्ट्रिसिटी बिल रेशन कार्ड और एप्लीकेंट और पेरेंट्स का, तो गाइस इनमें से कोई भी अगर आपके पास में है तो गाइस आप लोग दे सकते हो। और देखिए गाइस मैं अभी यहाँ पर अपलोड करके दिखा रहा हूँ, ये अपलोड कर दीजिए। उसके बाद ओबीसी डिजिटल ओबीसी अपलोड कर दीजिए, यहाँ पर इनकम एनुअल इनकम सर्टिफिकेट अपलोड कर दीजिए, उसके बाद में एक एप्लीकेशन फॉर्म अपलोड कर दीजिए, उसके बाद में यहाँ पर एफिडेविट एक अपलोड कर देना है, उसके बाद में नंबर ऑफ पेजेस प्रिंटेड और नंबर ऑफ पेजेस स्कैन और ये कैप्चर यहाँ पर देके सबमिट करना है। तो देखिए गाइस मैं करके दिख रहा हूँ, आप लोग वीडियो पर बने रहिए। इससे गाइस यहाँ पर नीचे में भी गाइस आपको अपना डिजिटल ओबीसी दे देना है गाइस, यहाँ पर अपना डिजिटल ओबीसी जो भी है गाइस दे दीजिए। तो फाइनली गाइस डिजिटल ओबीसी में ऑलरेडी दे चुका हूँ गाइस, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। उसी तरीके से यहाँ पर इनकम सर्टिफिकेट अपना फादर का जो भी है गाइस वो आप लोग दे दीजिए।
फाइनली गाइस इनकम सर्टिफिकेट भी मैं दे चुका हूँ गाइस, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। उसके बाद में गाइस यहाँ पर स्कैन अपलोड स्कैन कॉपी बोल रहा है गाइस, जो भी गाइस आपने फॉर्म फिलअप करके मतलब जो भी पीडीएफ बना के रखा है गाइस मतलब मैनुअल फिलअप करके वो आपको यहाँ पर दे देना है। तो देखिए गाइस मैं यहाँ पर दे रहा हूँ, तो एप्लीकेशन फॉर्म में फाइनली गाइस दे चुका हूँ, इस तरीके से होता है गाइस, आप लोग देख सकते हो यहाँ पर। उसके बाद में यहाँ पर एक एफिडेविट आपको दे देना है, तो फाइनली गाइस मैं एफिडेविट भी दे चुका हूँ गाइस, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। और उसके बाद में गाइस ये सब कुछ देने के बाद में देखिए गाइस ये सब कुछ अभी हो जाने के बाद में आपको क्या करना है, आप लोग नीचे जाइए और नीचे जाने के बाद में यहाँ पर कोई सा भी आप लोग नंबर आप लोग लिख दीजिए। उसके बाद में गाइस यहाँ पर और ये देने के बाद में आपको सबमिट कर देना है, उसके बाद में यस कर देना है। तो गाइस इतना ही आपका काम देख सकते हो, इतना अच्छे तरीके से यहाँ पर मैं सबमिट कर रहा हूँ। और अगर आप लोग अपना आईडी से करते हो गाइस, आपका सीएससी आईडी मैपिंग नहीं है, तो गाइस दूसरा पेज खुल के आएगा। अगर आपका सीएससी आईडी मैपिंग नहीं है तो दूसरा पेज आएगा, अगर है तो गाइस देखिए किस तरीके से आएगा, मैं वो भी दिखा रहा हूँ आप लोगों को। तो देखिए गाइस अभी इस तरीके का आपका इंटरफेस रहेगा। उसके बाद में यहाँ पर एक आपको पेमेंट करना है, पे पर क्लिक करिए। पे पर क्लिक कर देने के बाद देखिए यहाँ पर 3 and 0 है गाइस, 30 30, तो गाइस यहाँ पर आप लोग क्लिक कर दीजिए। उसके बाद में यहाँ पर आपका सीएससी का डैशबोर्ड खुल के आएगा, मतलब सीएससी के पेमेंट गेटवे खुल के आएगा, और यहाँ पर आप लोग सीएससी का जो भी गाइस पेमेंट गेटवे वो आप लोग यहाँ पर दे दीजिए। उसके बाद में गाइस ये बहुत ही इजी सा एक प्रोसेस है गाइस, आप लोग खुद घर बैठे कर सकते हो। उसके बाद वैलिडेट पर क्लिक करिए, वैलिडेट पर क्लिक कर देने के बाद यहाँ पर फिर से आपका वॉलेट पिन पूछेगा सीएससी का, और अगर है तो दे दीजिए, अगर नहीं है तो गाइस इसका आप लोग आपका मैपिंग नहीं है तो इस तरीके से नहीं आएगा, आपका डायरेक्टली पेमेंट करने के लिए आएगा यूपीआई से। आप लोग गूगल पे फोन पे से भी इजीली पेमेंट कर सकते हो। फाइनली गाइस मैं एनसीएल अप्लाई कर चुका हूँ, आप लोग देख सकते हो यहाँ पर मेरा फाइनली आ चुका है गाइस एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट। अभी गाइस मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, थोड़ा एक झलक देखिए और उसके बाद में आप लोग समझ सकते हो गाइस किस तरीके से नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट अप्लाई होता है गाइस। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट ओबीसी के लिए, और फाइनली गाइस ये हो चुका है आप लोग देख सकते हो। और ये अभी गाइस ठीक Within 30 working days from date of applied, मतलब जिस दिन से आपने अप्लाई किया है गाइस उस दिन से लेकर 30 डेज लगता है अप्रूव होने के लिए। और अप्रूव होने के लिए गाइस ये कैप्चा जो भी गाइस ये मतलब आपका एप्लीकेशन नंबर इस तरीके से आपको कॉपी करना है, और गाइस यहाँ पर आके इजीली यहाँ पर अभी वो एप्लीकेशन नंबर देके सर्च कर सकते हो, देख सकते हो अपना स्टेटस। तो चलिए मेरा आज का वीडियो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।